गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर कर रहे थे मोशन काइनेमेटिक्स, जो आपका यूनिट है उसमें मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको काइनेमेटिक्स के बारे में और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में। तो आज जो लेक्चर हम कर रहे हैं उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या चीज़ है एंड मोशन क्या चीज़ होती है? तो देखिए बच्चे, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, तो मैं इनको डिफाइन करूँगा और साथ में एक एग्जांपल दूंगा। इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है हमने। तो रेस्ट बेसिकली क्या है बच्चे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग्स विद टाइम, विद टाइम। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल पहले दे देता हूँ मैं। जैसे अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। तो इसको अब डेफिनेशन से रिलेट करेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट, कब उसे रेस्ट पे कहा जाएगा? मतलब रेस्ट मतलब रुकी हुई चीज़। इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। तो बेशक एक बुक को अगर मैं टेबल पे रख के जाता हूँ सुबह 4 AM और शाम को आता हूँ और वो बुक वहाँ के वहाँ ही पाई जा रही है शाम को 6 PM पे भी, तो अगर वो टाइम भी चेंज हो जाए पर वो अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? वो बॉडी किस पोजीशन पे है? रेस्ट की पोजीशन पे है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? उसकी मोशन होगी बच्चे। और मोशन में क्या होगा? अ बॉडी को हम, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन, सेट टू बी इन मोशन। कब कहलाएगी बड़ी बॉडी हमारी मोशन में? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, है ना, सराउंडिंग्स। तो अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस, इट डज नॉट चेंज, पहले रेस्ट वाले केस में चेंज नहीं होता पर इसमें चेंज होता है, इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विथ टाइम, विथ टाइम। ठीक है, अभी हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, इसका मैं फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आई होप कि आप समझ सक रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे जी दिख नहीं रहा, वो नहीं दिख रहा, तो आप बीच में वीडियो को फॉरवर्ड करोगे तो समझ नहीं आएगा। आप रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको आराम से समझ आएगा। ठीक है, रफ हैंड में मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपका आया बच्चे मोशन इन, रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ होती है। अब इसके बाद हमने करना है मोशन हमारा जो होता है, मोशन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ? एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही नहीं, भूल गया। तो अ मूविंग बस, एक मूविंग बस, मूविंग ट्रेन। तो अगर वो मूविंग बस अगर है, अगर 4 AM वो सपोज जम्मू में है, तो 6 AM कहाँ होगी? उधमपुर में होगी। तो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो जम्मू से यहाँ पे 665 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गई। तो इसका मतलब क्या है? वो बॉडी मोशन में है। अब मोशन हमारा जो है वो तीन टाइप में होता है, तीन मतलब तीन डायमेंशंस में। तो मोशन के बारे में हमने पढ़ना है, मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस, एंड थ्री डायमेंशंस, तीन डायमेंशंस में हमारा क्या होता है बच्चे? मोशन होता है। तो अब सबसे पहले हम इसको करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी कि 1D लिख रहा हूँ मैं। तो मोशन को हम 1 डायमेंशन में कब कहेंगे बच्चे? अब देखिए आपको मैं एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ। हमारे बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना बच्चे, एक्स, इसे कहते हैं एक्स, वाई, और इसे कहते हैं हम जेड एक्सिस। तो अब मेरी बॉडी अगर एक्स के अलॉन्ग सिर्फ मूव कर रही है तो भी मैं उसे कहूँगा बॉडी कैसे मूव कर रही है, एक डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में।
अगर खाली वाई के अलॉन्ग कर रही है तो भी मैं बोलूँगा वन डायमेंशन, या खाली जेड के अलॉन्ग मूव कर रही है तो तीनों में से अगर किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, किसी के भी अलॉन्ग एक के अलॉन्ग मूव करेगी तो वो किसके अंडर आ जाएगी, वन डायमेंशन में। तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द मोशन